प्रारंभ में ही, अंत में तो है ही, बीजीएम सेकेंडरी हाई स्कूल को मैं असंख्य धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस सुअवसर पर बुलाया और आप लोगों से रूबरू होकर आप लोगों की बेहतरीन कविताएं सुनने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद सर, कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। हो जाए न पथ में देर, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ निशा निमंत्रण की यह पंक्तियां हम सभी को इस ओर इशारा कर रही हैं कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ें। और हमारे साथ हमारे अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, वरीय हिंदी शिक्षक और युवाओं के बीच में कवि के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी एक खासियत है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विश्वास नहीं रखते। इनके लिए दो पंक्ति एमजीएम स्कूल की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि हाथों की लकीरों पर विश्वास मत कर ऐ गालिब, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत कर ऐ गालिब, सुना है तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। धन्यवाद महोदय आपका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। अर्थात बच्चों, सर ने अपनी बातें जो लिख कर मुझे भेजी हैं उनसे यह बातें पता चलती है कि यह कर्म में विश्वास रखते हैं, हाथों की लकीरों में नहीं, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। स्वागत है पुनः आप सभी का। हमारे साथ 21 प्रतिभागी आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, साथ ही साथ हमारे शिक्षक शिक्षिका और कविता को सुनने वाले चाहने वाले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम आते हैं अपने विषय की ओर, और इस कवि सम्मेलन का नाम हम लोगों ने रखा है मैं और मेरी कविता। तो जैसा मैंने कहा आप सभी को कि हार नहीं यह जीत नहीं है, हार नहीं यह जीत नहीं, यह शब्दों का ताना बाना है, मैं और मेरी कविता में अपने भाव कह जाना है, अपने भाव कह जाना है। तो प्रिय प्रतिभागियों, इस कविता में कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, सब अपनी प्रतिभा को इस मंच पर रखेंगे, और हमारे सामने आज जो हमारे अतिथि हैं वह निर्णायक की भी भूमिका में रहेंगे। वह उनकी बातें आप सुने अपनी कविता के बाद, और वह एक युवा कवि और लेखक हैं, और अपने विचार आपको देंगे ताकि भविष्य में आपके इस उड़ान को एक नई पंख लग सके। धन्यवाद। तो मेरे साथ बच्चे जुड़ गए हैं, तो आज हिंदी दिवस है, तो मैं चाहूँगा आज के हिंदी दिवस पर कुमारी अनामिका जो कि कक्षा 9 से हैं, वह आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत अपनी कविताओं से करें जिनका शीर्षक है हिंदी दिवस। कुमारी अनामिका। यस सर। मैं कुमारी अनामिका, कक्षा 9 की विद्यार्थी। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी दिवस। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता सुनाई हिंदी दिवस के अवसर पर अनामिका ने। मैं हिंद की हिंदी हूँ, मैं इस हिंद की हिंदी हूँ, अपनी बातों को रखती हूँ, सर्वस्व मेरा भारत के बाहर भी है, मैं अपना जीवन जीती हूँ। धन्यवाद अनामिका, बहुत अच्छी शुरुआत की आपने हिंदी दिवस के ऊपर अपनी कविता कहते हुए। फूल, एक फूल जो है वो अपनी चाह कैसे व्यक्त करता है, इस बात को सिर्फ कवि ही अपनी कविताओं में रखते हैं, तो इसी फूल की चाह को रखने हमारे साथ
आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी एक प्रतिभागी जो कि हमारे सामने मेघा चौधरी कक्षा 6 की छात्रा हैं और इनकी कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। मेधा चौधरी कक्षा 6 से जुड़ी हैं। मेधा। यस सर। सुप्रभात, मेरा नाम मेघा चौधरी है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा। हमारे साथ हमारे प्राचार्य महोदय फादर एजी सी वर्गीस भी जुड़े हैं। फादर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, स्वागत है फादर आपका। फादर नमस्कार, हिंदी दिवस के अवसर पर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने पर मैं लव कुमार स्वागत करता हूं। और फादर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बच्चों को आशीर्वाद दें और हमारे साथ हमारे अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी भी कोलकाता से जुड़ गए हैं, तो आप अपने आशीर्वचनों से बच्चों को आशीर्वाद दें। फादर। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों और विशेष तौर से हमारे अतिथिगण और सभी शिक्षक शिक्षकगण, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम शिक्षक दिवस में आज कविता का जो हम कवि सम्मेलन का जो हमने आयोजित किया है हिंदी दिवस के उपलक्ष पे, ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि आज हमारे बच्चे हिंदी दिवस के जो विशेषताओं को उसकी महत्वपूर्णता को बनाए रखने के लिए इस कवि सम्मेलन का में भाग ले रहे हैं। और विशेष तौर से मैं लव कुमार सर को भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उनका जो ये परिश्रम है कि आज इस कार्यक्रम का एक रूपरेखा तैयार कर सका और एक भव्य कवि सम्मेलन को साक्षात्कार कर सका है। हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी जी जो DPS कोलकाता के शिक्षक है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वे हमारी इस सम्मेलन का अध्यक्षता कर सके। भारत एक महान देश है जिसका एक लंबी इतिहास है। इस इतिहास को समझने के लिए हमारी भाषा का जो महत्वपूर्ण योगदान है ये हमें समझना जरूरी है। और हम अपनी इतिहास को ना कि समझे उसको आगे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारी मातृभाषा ही उससे हम आगे बढ़ सकता है। हिंदी राज्य भाषा भी है, मातृभाषा भी है इस नॉर्थ के जो लोगों के लिए। हम हमेशा प्रयासरत रहें कि हिंदी जो बोली इसका जो शुद्धता हर बच्चों तक पहुँचे और अपना अभिव्यक्ति वो अपनी भाषा से ही अगर आप करना सीखे तो वो सबसे उचित और बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि हमारा सोच हमारी भाषा के तहत ही पूर्ण रूप से वो एक अपना एक सोच रख सकता है। भाषा में अगर हम प्रावीणता ना हो तो ऐसा हो सक
ऐसा हो जाता है कि कई बार हम उसमें जिस तरह से हमें व्यक्त करना है, अभिव्यक्त करना है, वो पूर्ण तौर से हो नहीं पाता है। सो लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज नेसेसरी एंड इन दैट डायरेक्शन वी आर ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रमोट नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, इवन दो वी ऑलवेज से आवर सेल्फ एज इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट हिंदी इज वन ऑफ आवर प्राइम लैंग्वेज विच वी हैड टू, बिकॉज इन एवरी गवर्नमेंट सेक्टर दी लैंग्वेज इज यूज इन सच ए वे दैट वी हैव टू नो नॉट ओनली हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू ड्राफ्ट थिंग्स इन हिंदी, दैट ऑल्सो इज नेसेसरी, एज वेल एज वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू डेवलप ए लिटरी जर्नल इन दी लैंग्वेज। सो आई विश ऑल दी पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज लॉ कुमार सर, टीचर्स एंड आवर ऑनरेबल गेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर हिंदी दिवस एज वेल एज फॉर दिस कवि सम्मेलन। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद फादर, धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों, आपके आपके आशीर्वचनों बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और हमारे अतिथि के लिए भी, कि जितना हमारी फितरत है, जितना हमारी फितरत है, रोक सको तो रोक लो। और इस तरह से इस कोरोना के वैश्विक महामारी में ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, इसी में आज हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय प्राचार्य फादर श्री रिजी सी वर्गीस से के विचारों ने मुझे एक नई दिशा दी कि मैं आज के दिन इस कवि सम्मेलन का आयोजन करूं। और मैं फादर की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से हमारे अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी समय निकाला और इस कवि सम्मेलन में जुड़ने के लिए अपनी हामी भरी। तो इस कोरोना वैश्विक महामारी पे कोरोना क्या है दुनिया में, इस कविता को लेकर के हमारे सामने आ रही है अनुवंशिका कक्षा निया। ये सर, सुप्रभात सबो, नमस्कार। मेरा सभी अनुवंशिका, को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। मेरा नाम अनुवंशिका है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना में दुनिया। यह महानगर की सुबह तनिक अलसाई थी, खाली सड़कों पर डोल रही तन्हाई थी, फिर पेड़ों की शाखों पर कोयल कूक उठी, कुदरत भी जैसे इठलाकर फिर चहक उठी। कोलाहल जीवन का कुछ थमा थमा सा है, कोलाहल जीवन का कुछ थमा थमा सा है, सन्नाटे का यह क्षण कुछ नया नया। सुन पड़ती हैं ऐसे में आवाजें साफ साफ, क्योंकि वह शोरीलापन दिल का खोया खोया सा है। यह कोविड से लड़ने की है एकजुट तैयारी और इससे मिले कुछ अच्छे मौकों को है जीने की बारी। कुदरत की खौफ ने एक बख्शा है मौका, कुदरत की खौफ ने एक बख्शा है मौका, इंसानों को इंसान बनने का मौका, खुद में तफ्तीश से झांकने का मौका, या कुदरत से किए गुनाहों से माफी मांगने का मौका, परिवार से चुराए वक्त को लौटाने का मौका, तो रिश्तों पर जमी धूल को काटने का मौका, घर के एक एक कोने को संवारने का मौका, तो खुद को जरा फुर्सत से निहारने का मौका, निढाल से शरीर को थामने का मौका, तो थकती सी सांसों में एक बार फिर से जान फूंकने का मौका। इस बुरे वक्त में भी कुछ अच्छे पल ढूंढने की दिखाई है हमने होशियारी। तो चलिए
करते हैं हम इन मौकों से तैयारी और जीते हैं ये जिंदगी की अनोखी पारी। लेकिन लेकिन मास्क का पालन करना और सावधानी बरतना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि हमें तो कोरोना से जीत के रहनी है लड़ाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुवंशिका। अनुवंशिका ने कहा कि हमें तो कोरोना से जीतना है भाई। इस वैश्विक महामारी में हम लोगों का हौसला बढ़ाते हुए बहुत सुंदर कविता सुनाई अनुवंशिका ने। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है और जीवन में निरंतर प्रगतिशील रहना है। भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर अनिल गुप्ता कहते हैं कि यदि आप जीवन में कुछ खास, कुछ अलग, कुछ हटके करना चाहते हैं तो आपको कविताओं से जुड़ना होगा। यदि आप कविता से जुड़ते हैं तो आप एक स्वतंत्र विचार मन में रखते हैं। आप सड़क पर चलते हैं, भिखारी को देखते हैं, उसे भीख दे देते हैं, लेकिन अगर आपका मन कवि मन है तो उस समय आप उसे भीख नहीं देते, उस भिखारी के ऊपर भी एक कविता लिखते हैं जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी, भिक्षुक कविता। आप सभी कभी पढ़िए, तब लगेगा कि सही में एक कवि का मन कैसा होता है। वापस आते हैं। धन्यवाद आप सभी का। हमारे सभी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे अतिथि भी काफी ध्यान से बच्चों की कविताएं सुन रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, हमारे और शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर का, कि वो बच्चों के बाल मन में एक नई प्रेरणा भरने का काम करेंगे जिससे उनके विचार सुन करके बच्चे एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आप पूरे कार्यक्रम में बने रहें। बीच में नेटवर्क का इशू हो रहा है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, फिर से आप जुड़ जाएं, इसके लिए दिक्कत नहीं होगी। और फिर से मैं हमारी उप प्राचार्य महोदया श्रीमती प्रभा एंथनी यादव मैम का भी स्वागत करता हूँ, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। और भी शिक्षक शिक्षिकाएं, हिंदी प्रेमी और संस्कृत के जानकार और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं आज के दिन हिंदी दिवस पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस सुकून की ओर जो हर इंसान ढूंढता है अपने जीवन में, भागता है, दौड़ता है, लेकिन अपने घर वापस आता है तो सुकून से बैठना चाहता है। मैं जिस सुकून की बात कर रहा हूँ, शायद प्रतिभागी ने समझ लिया है कि मैं अब उनको और इशारा करूंगा। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 की छात्रा हैं प्रकृति ठाकुर, अच्छी कविताएं कहती हैं, तो उनकी ओर बढ़ते हैं और आज उन्हें सुनते हैं प्रकृति ठाकुर को। उनकी कविता है सुकून। प्रकृति, ये कोई कहानी नहीं, एक किस्सा है, कुछ भरी हुई कुछ खाली पन्ने की किताब से निकाला हुआ, जिसे आमतौर पर हम जिंदगी कहते हैं। इस जिंदगी में अक्सर हम एक अष्ट सा ढूंढते हैं और इबादत से उसे ही हम सुकून का नाम दे जाते हैं। तो इसी के साथ मैं प्रकृति ठाकुर, कक्षा 12वीं की छात्रा, आप सभी निर्णायक गणों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज की मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है सुकून। सुकून की परिभाषा यूं तो हर किसी के जीवन की अलग सी होती है, पर इसमें हर वक्त एक अष्ट सा आम होता है और उसे ही मामूली अल्फाज में हम सुकून कहते हैं। बारिश में अदरक वाली चाय की चुस्की की तरह, या दिन भर की थकान में कुछ लम्हे के लिए आशना की दीदार की तरह, आशना अर्थात साथी, या यूं कह लो कि चंद मिनटों की मुलाकात की तरह, कुछ एहसासों या कुछ पूरी हुई ख्वाहिशों की तरह। पर हर किस्से में एक अश्क सा है जो हर वक्त आम रहता है और उसे ही मामूली अल्फाज में हम सुकून कहते हैं। तो आगे की दो लाइनें उनके लिए जो घर से हर वक्त दूर रहते हैं। तो माना कि ये रास्ते, ये मंजिल और ये ठिकाने बड़े अच्छे और कमाल के हैं। माना कि ये रास्ते, ये मंजिल और ये ठिकाने बड़े अच्छे और कमाल के हैं, मगर मुझे मेरे घर के सुकून की बड़ी याद आती है। कि भटकते हुए जब भी तेरे तस्वीर की दीदार होता है, कि भटकते हुए जब भी तेरी तस्वीर का दीदार होता है, इश्क भी मुझे तुमसे दिन में उतनी बार होता है। कि सुकून दिलाती है ये तेरी छोटी छोटी बातें मुझे,
की सुकून दिलाती है ये तेरी छोटी छोटी बातें मुझे, जिनमें भरी है न जाने कितनी यादें तेरी। तो कितनी दफा कुछ अनकही बातों में भी सुकून के अश्क पाए जाते हैं, तो इन्हें ख्याल में रखते हुए मेरे मेरे जहन से मैंने उतारा है। आशा है आपको पसंद आएगी कि एक बार और उलझना है तुमसे, कि एक बार और उलझना है तुमसे बहुत कुछ सुलझाने के लिए, कि कभी कभी ऐसा भी कुछ चाहिए होता है सुकून के खातिर, कि कभी कभी कुछ ऐसा भी चाहिए होता है सुकून के खातिर जिसमें दवा की नहीं लबों की जरूरत पड़ती है। यूं तो होते हैं सुकून के ढेर और रास्ते, पर अक्सर अपने जुनून से मिलते मिलते हम सुकून को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। फिर कभी जब याद करके सुलझाने बैठते हैं हम पुराने अफसाने, तो याद आती हैं हमें कुछ अनकही सी बातें, जिनमें एक अश्क सा हर वक्त आम होता है, और उसे ही तो मामूली अल्फाज में हम सुकून कहते हैं। हाँ माना कि बचपन का एतवार अब वापस नहीं आता, कि बिगड़ी हुई बात अब बताई नहीं जाती, खिलौनों से मोहब्बत अब जताई नहीं जाती, और बिना कुछ सोचे किसी को अपना दर्द दिखाया नहीं जाता। खो जाते हैं अक्सर हम इन बवंडरों के बीच, खो जाते हैं अक्सर हम इन बवंडरों के बीच, जहां ना ही लोगों की अहमियत है और ना ही उनके जज्बातों की कदर। सुकून की तलाश करते करते हम क्यों खुद को भूल जाते हैं, क्यों नहीं ये मान लेते कि हमारा सुकून किसी और की खुशियां, किसी और की जिम्मेदारी व किसी और की हंसी के मोहताज नहीं है। हमारा सुकून हमसे है और हम हमारे सुकून से, इबादत से। हमारा सुकून हमसे है और हम हमारे सुकून से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति ठाकुर ने सुकून की बहुत अच्छी व्याख्या की। आशा है आप सभी ने इनकी पंक्तियों से सुकून को समझा होगा। धन्यवाद प्रकृति। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रकृति को सुना, और आज के इस कवि सम्मेलन में एक खास बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज के इस कवि सम्मेलन में कक्षा 5 से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे माननीय अतिथि भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 7, 5, 12 अर्थात कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और सबसे जो नन्ही प्रतिभागी है वो कक्षा 5 से है, गौरवी शर्मा। गौरवी आप मुझे सुन पा रही हैं? गौरवी जी सर। हाँ तो गौरवी कक्षा 5 की छात्रा हैं, और ये जो हैं इस संसार की प्रकृति ने इस संसार में सबसे खूबसूरत जो रचना की है उस रचना का नाम है बेटी। तो प्रकृति गौरवी शर्मा आज बेटियों के ऊपर अपनी कविता रखने जा रही हैं। आइए सुनते हैं गौरवी को। सुप्रभात, मेरा नाम गौरवी शर्मा है, मैं कक्षा 5 अ की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटियाँ। चिड़ियों की झुंड सी चहचाती बेटियाँ, पगडंडियों में नीले की आंचल उड़ाती बेटियाँ, आंगन की तुलसीपन घर को बताती बेटियाँ, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती बेटियाँ, पानी जैसी निर्मल स्वच्छ नजर आती बेटियां, पायल जैसी रुमझुम गुनगुनाती बेटियां, क्यों देखते हैं दोयन निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी के मकान को घर बनाती हैं बेटियां। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। बहुत अच्छी कविता सुनाई गौरवी ने। गौरवी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा इनकी कविता किस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा। निज कटती छिलती संघर्ष हूं करती, निज कटती छिलती संघर्ष हूं करती, तेज धार की साक्षात्कार में पड़ती, मैं पेंसिल सुनो मेरी बात, मैं पेंसिल सुनो मेरी बात, यही है मेरी जीवन गाथा।
मेरी जीवन गाथा, यही है मेरी जीवन गाथा। तो ये पेंसिल जो है यह भी नित कटती है, छिलती है, संघर्ष करती है। एक कवि की पंक्तियां, इस कविता में शक्ति होती है कि वो कवि इन बातों को कह जाता है। फिर से पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का, और मैं चलता हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और अगली प्रतिभागी की ओर। और अगली प्रतिभागी हैं ज्योति कुमारी कक्षा 9 से, जो देश की स्वतंत्रता 15 अगस्त की पुकार, बहुत अच्छी कविता लेकर के हमारे सामने आ रही है। और आप सभी से अनुरोध है कि एक बार आप कवि का नाम जरूर बताएं, यदि आप जानते हैं आपकी स्वरचित कविता है तो ये भी कहें, या जिस कवि की कविता आपने ली है उन कवि का नाम भी जरूर बताएं। ज्योति जी सर, मैं आप सभी के सामने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध रचना 15 अगस्त की पुकार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वह अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, क्या आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पुरखतों पर गलगीत पर गंगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंड भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गलगित से गलौरी पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। धन्यवाद, जय। बहुत बढ़िया ज्योति, शपथ अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। तो इस तरह से इन्होंने अटल जी की बहुत अच्छी कविता हमारे सामने रखी, और मैं चाहता हूँ माननीय अतिथि महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर से कि आप इस बीच में आपने हमारे 4-5 प्रतिभागियों को सुना, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कुछ कहें, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। जी महोदय, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं?
सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर बोलिए। मैं तो पहली कविता से ही बोलने के लिए उत्सुक हूँ, ठीक है? जी जी जब धन्यवाद। हमारी अनामिका ने हिंदी दिवस पर कविता पढ़ी और इस कार्यक्रम की सफलता शुरू में ही पता चल गई कि जब अनामिका ने कविता में हिंदी को सिर्फ क्षेत्र में नहीं बांटा, मैंने क्षेत्र में बांटा ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र का रूप दिया। और हिंदी चूंकि हिंदी दिवस है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर ही हम लोग आज एक जगह सम्मिलित हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी हिंदी के माध्यम से। तो अनामिका के माध्यम से ही मैं कहूंगा, उसकी कविताओं का भाव लेकर ही कहूंगा कि हिंदी बांटने वाली भाषा नहीं है, हिंदी जोड़ने वाली भाषा है। और हिंदी सिर्फ अव्यक्ति नहीं, सिर्फ जो है जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या अपनी मातृभाषा को छोड़कर कि नहीं आवश्यकता है इसलिए बिजनेस करना है, बाहर जाना है इसलिए हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी क्या है? हिंदी हमारी पहचान है, यह हमें जोड़े रखती है। हम जब कभी भी जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं और किसी को भी देश से बाहर क्या एक ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ कोई हिंदी नहीं जानता और अचानक हिंदी बोलने वाले को सुन लेते हैं तो हम अभिभूत होते हैं, उनसे अगर बात करते हैं पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो हिंदी हमें जुड़ने का काम करती है। बहुत अच्छी कविता थी अनामिका, मैं विशेष रूप से जो है धन्यवाद देना चाहूंगा, ठीक है? और ये बात ध्यान रखो कि हिंदी सिर्फ सिलेबस की भाषा नहीं है, ठीक है? कि सिलेबस में पढ़ लिया 9-10 में 11-12 में हिंदी खत्म हो गई, हिंदी आजीवन चलने वाली भाषा है। ठीक, हम सोचते भी तो हिंदी में ही है, सांस लेते भी तो हिंदी में ही, ऐसे ऐसी बात कही जाती है। दूसरी जो है मैं गौरवी की बात करूंगा, वो तो यहाँ पर है मेरे घर से, वीडियो ऑफ है, मैं शुरू से उसको देख रहा हूँ, वो कविता बोलने के लिए इतना उत्सुक, इतना उत्सुक है, वो बैठी नहीं रही थी, वो तब से खड़ी थी, अपनी बारी की इंतजार कर रही थी, ठीक है? और कहूंगा तुमने बेटी पर कविता सुनाई, ठीक है, बहुत अच्छी कविता थी। एक वाक्य याद रखोगी, बेटी के बिना यह दुनिया जंगल है, ठीक है? बेटी हो, बेटी का सिर्फ बेटी नहीं, बेटी है, लड़की है, माँ है, बहन है, बेटी में सब कुछ समाहित है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, बड़ी होती है, वो अपना रूप बदलती रहती है, ठीक है? तो इस बेटी, इस औरत, इस माँ, इस बहन के बिना जो ये दुनिया जंगल है। और तुमने जो अपने कविता के माध्यम से ये सामने रखा है कि बेटी कितनी महत्वपूर्ण है, घर में अगर 10 हेलोजन लगा दो तो उतना उजाला नहीं होगा जितना एक बेटी घर में रहे और उजाला हो जाए, ठीक? और ज्योति ने तो अपने मैंने क्या बोलो अपनी प्रस्तुति से तो सबको अभिभूत किया ही है और अटल जी की कविता को एक अलग ही रूप में हमारे सामने रखा। हमने भी सुनी, इससे पहले कविता सुनी थी बहुतों के मुख से, लेकिन आपने गायन शैली से प्रस्तुत कर इसके भावार्थ को, इसके आशय को और भी ज्यादा स्पष्ट कर, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रकृति कक्षा 12वीं की छात्रा है और आप बहुत उम्दा लिखती हैं, प्रकृति आप इस तरह लिखते रहिए, आप शायद मेरी बात सुन रहे हैं, और जिस तरह से आपने कविता और शायरी के मेल के माध्यम से सुकून को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बताया है और यह बताने की कोशिश की कि सुकून जो है सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं है बल्कि वह हमारे परिवार में है, हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जीते हैं, यदि उससे हम बेहतर ढंग से संभाल सके तभी सुकून मिल सकता है, अन्यथा हमारे जीवन में सुकून नहीं है। तो आप लिखना बंद नहीं कीजिएगा, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, देखिए इसके लिए मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद है और आपकी लेखनी इसी तरह से लगातार चलती रहे। आप 12वीं के बाद हिंदी पढ़े चाहे नहीं पढ़े वो अलग बात है। हरिवंश राय बच्चन कविता से लव सर ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो हरिवंश राय बच्चन को हिंदी से नहीं, उन्होंने भी इंग्लिश पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ी थी। और रामविलास शर्मा हिंदी के बहुत बड़े आलोचक, ठीक है, उनका विषय भी इंग्लिश था। तो विषय जो है हिंदी के बहुत बड़े लेखक संजीव दा हमारे अंचल के, आसनसोल अंचल के हैं, उनका जो स्ट्रीम साइंस था। तो हिंदी के लिए, हिंदी लेखन के लिए, कविता के लिए, कहानी के लिए विषय पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी मतलब हम है और कोई नहीं है। तो आप इसे लगातार आगे बढ़ाते रहिएगा और भविष्य में अगर जुड़ने का दोबारा मौका मिलता है तो मैं सुनूंगा, चाहे इस मंच पर हो चाहे किसी और मंच से, ठीक?
इसका भी कोरोना पर कोरोना में जो है जो अनुवंशिका की जो है कविता थी इंसान को इंसान बनाए रखना है। अनुवंशिका तो कोरोना जो है हमारे लिए चुनौती है, चुनौती में हम किस प्रकार जीते हैं, चुनौती में हम किस प्रकार से निकल सकते हैं, यह आपकी कविता में थी। तो बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, तो आप लोग इस तरह से आगे बढ़ते रहिए और मैं आशा करूंगा कि बीजीएम स्कूल द्वारा मुझे इसी प्रकार से आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तो मैं अभी इतना ही, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर मैं कहता चला जाऊंगा तो कहने के लिए अंत नहीं है। मैं बहुत अभिभूत हुआ हूँ, बहुत अभिभूत हूँ आप लोगों से, लेकिन इतने कम उम्र में जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, इतने अच्छे वाचन पाठन, मतलब मैं अभिभूत हूँ। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ ताकि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा सके। सर आप आगे बढ़ाइए, बच्चों को मौका दीजिए, हम लोग बाद में ही बात कर लेंगे। मैं लिख कर दे दूंगा आपको, लेकिन सुनने का मौका नहीं मैं गंवाना चाहता। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद जी। तो हमारे गुरुजी सुने आप, हम लोगों ने डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर कह रहे हैं कि आपकी लिखनी में दम है, आप ऐसे ही लिखिए, अपनी वाणी को आगे बढ़ाते जाइए। आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, विचार लोग की मर्त होना, विचार लोग की मर्त होना, मृत्यु से डरो कर भी मरो, परंतु योग की आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी, हुई आवाज कट रही है, शायद सब कुछ सुन नहीं पाए हैं। कविता की जो पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो ये मरा पशु या सुन मरे, मैथिली शरण गुप्त की कविता। क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का, तो पूरा स्वागत है आप सभी का। मैं कह रहा था कि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हम मनुष्यों की यह मनुष्यता है कि जो हम दूसरे के काम आ सके, और कविता एक बहुत बड़ी माध्यम है कि हम अपनी बातों को लोगों के सामने रखें और इससे लोग सीखें और अपने जीवन में मनुष्यता के गुणों को आगे बढ़ाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सामने अभी तक जो भी आई हमारे सामने वो कवयित्री आई। अब मैं एक कवि को बुलाना चाहता हूँ और वो है कक्षा 10 के अर्णव कुमार, जो मातृभूमि की संतानों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। अर्णव जी धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए लव महोदय का, और सबसे पहले तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हे भारतवासी, हे भारतवासी, तू क्यों भूल जाता है, दुश्मन एक नहीं दुश्मन अनेक है, तू सरहद पर खड़े उस फौजी को क्यों भूल जाता है, जो बंदूक उठाए तेरे लिए खड़ा है, याद कर उन्हें, वो है शहीद, वो होते हैं शहीद इस मातृभूमि के लिए, वो है हमारे फौजी भाई, याद कर उन्हें। शक है मातृभूमि की संतान समर्पित करता हूँ और अक्षु करता हूँ, जो कि मेरे द्वारा ही लिखित है, स्वरचित है। मातृभूमि की रक्षा करने वाले शहीद कहलाते हैं, अपनी माटी का तिलक कर विश्व विजेता बन जाते हैं, इन वीरों की अभिलाषा सिर्फ मात्र आशीर्वाद पाने की होती है, ना कवच चाहिए ना कुंडल चाहिए, देश की रक्षा करने के लिए इन्हें सिर्फ मातृभूमि की आशीर्वाद चाहिए, इसी आशीर्वाद को लेकर जो विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं, वही हमारे वीर फौजी भाई कहलाते हैं, वही हमारी वीर फौजी भाई कहलाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्णव। अर्णव की इन पंक्तियों से मैं
प्रभावित हूँ और जिस तरह से अर्णव ने अपनी बातें कही हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, न जाने तेरी माँ कैसी सोई होगी, दुश्मन की गोली भी तुझे छूने से पहले रोई होगी, रोई होगी। जान कर कोई बाजी लगा दी देश के लिए, शहीद हो गए, उन सभी को हम सत सत नमन करते हैं। अर्णव की कविता जो है हम लोगों को मातृभूमि के प्रति स्नेह और प्रेम रखने के लिए प्रेरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्णव। आगे बढ़ते हैं और कविता की पंक्तियां कवि जो है अपनी बातों को शब्दों के माध्यम से रखते हैं और उस कविता के जो विचार है साथ को चरितार्थ करने पल है जिंदगी के बारे में खूबसूरत बातें करेंगे। गायत्री जेठवा कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं। यस सर। तो शुरू करना चाहूंगी। जब बीते हुए लम्हों से मुलाकात हुई, टूटी हुई सपनों से बात हुई, याद जो करने बैठे उन तमाम लम्हों को, तो जयशंकर प्रसाद निराला जी की यादों से शुरुआत हुई। तो इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं गायत्री जेठवा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है, जी लो इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले बस यही कहें कि यही उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे। साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुन से लम्हे नहीं छूटा करते। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मत हार ओ मुसाफिर, जिंदगी बस खुशी और गम में ही है। जब भी ऐसा लगे कि हौसले टूट रहे हैं तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री। मानो जिंदगी ने कह दिया हो कि जितने बढ़ाते हैं और कक्षा 11 की कवयित्री आशी तिवारी को मैं आमंत्रित करता हूं, वह अपनी कविताओं के साथ हमारे सामने आ रही हैं। आशी तिवारी कक्षा 11वीं से। सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं आशी तिवारी 11वीं की छात्रा आप सभी के सामने अपने द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी और मेरी कविता का शीर्षक है। अपनी शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगी जिससे कि मुझे भी अच्छे से पहुंच सके। तो केवल दो शब्द है। नशे मन का अर्थ होता है घोंसला यानी रहने की जगह, और दूसरा शब्द है शकट यानी वाहन।
तो इसी के साथ मैं अपनी करना चाहूंगी, अपनी कविता शुरू करना चाहूंगी। अंधेरों को नशे मन ए खौफ कहते हैं, अंधेरों को नशे मन ए खौफ कहते हैं, अंधेरों न जाने कितने इल्जाम मरते हैं। अंधेरों को नशे मन ए खौफ कहते हैं, अंधेरों के न जाने कितने इल्जाम मरते हैं। जरा रोशनी डालो, जरा रोशनी डालो की ओर भी, परछाइयों के ठिकाने जिसके साथ बढ़ते हैं, परछाइयों के ठिकाने जिसके साथ बढ़ते हैं। वो कहते हैं समय की शकट की राह तकना, वो कहते हैं समय की शकट की राह तकना, कहते हैं कहने दो, हमें भरोसा है इन कदमों पर, हमें भरोसा है इन कदमों पर, वो देख, हम तो लम्हों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हम तो लम्हों की सीढ़ियां चढ़ते हैं। आसमानों को मंजिल ओ फतेह कहते हैं, आसमानों को मंजिल ओ फतेह कहते हैं की तमन्ना गढ़ते हैं, आसमानों को हाथों से छूने की तमन्ना गढ़ते हैं। कुछ तो आया होगा उन सितारों की नजर में भी, जो आसमां छोड़ जमीन दोस्त होने दुआएं करते हैं, जो आसमां छोड़ जमीन दोस्त होने की दुआएं करते हैं। वो कहते हैं देखा है हमें बिखरते नाकामियों पर, वो कहते हैं देखा है बिखरते नाकामियों पर, कहते उनसे जरा गौर से देखिए जनाब, वो देखी होगी माला कोई पड़ी, हम तो मोती हैं हम कहाँ बिखरते हैं, हम तो मोती हैं हम कहाँ बिखरते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता कही आशी ने, हम तो मोती हैं हम कहाँ बिखरते हैं। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कविता में ही वो गुण है जिसके कारण हम अपनी बातों को इस तरह से रख पाते हैं, कर पाते हैं। पुनः वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं कविता की पंक्तियों को आगे बढ़ाने से। मैं एक छोटी सी घटना आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। कभी मन जो होता है वह अलग सोचता है, उसके अंदर कल्पना होती है। एक बार लाल किले पर कवि सम्मेलन होना था, तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और राष्ट्रकवि दिनकर, जैसे वो नीचे की ओर गिरे तब तक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें संभाला, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि संभालने के लिए शुक्रिया, माफी चाहूंगा, तब पंडित नेहरू ने कहा संभालने के लिए शुक्रिया, तब राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा संभालता है। तो साहित्य के इस पद्य विधा में ये ताकत है के माध्यम से उसे सही राह पर ला सकते हैं। ऐसी प्रेरणा और ऐसी सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से कि कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उन दिक्कतों को मात देते हुए हमें आगे बढ़ना है और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अपने आप को बचाते हुए, सबल रखते हुए इस कवि सम्मेलन में अपनी प्रतिभा को दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कहूंगा हार नहीं या जीत नहीं, या शब्द भाव कह जाना है, अपने भाव कह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी। लक्ष्मी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं लक्ष्मी अपनी स्वरचित कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक नई शुरुआत। चल ए जिंदगी तेरी फिर से नई शुरुआत करते हैं, अपने अतीत से निकलकर अब आगे बढ़ते हैं।
विफलता और उदासीनता को पीछे छोड़, विफलता और उदासीनता को पीछे छोड़, चल एक नई उड़ान भरते हैं। अभी वो बंद हो गया, चल ऐ जिंदगी तेरी फिर से नई इतिहास लिखते हैं। है अफसोस मुझे अपने बीते कल पर है विश्वास अपने बाहुबल पर, बदलेंगे इतिहास हम भी एक दिन, बदलेंगे इतिहास हम भी एक दिन, जगनाश करेगा हमारे आने वाले कल पर। ठोकरें खाकर हम अक्सर संभलते हैं, चल ऐ जिंदगी तेरी फिर से नई शुरुआत करते हैं। बीत चुकी मेरी सारी कहानी, अपने पसीने से लिखेंगे हम अपनी जिंदगी। अब तक किस्मत ने था सारा खेल रचाया, अब तक किस्मत ने था सारा खेल रचाया, पर हम बदलेंगे अपनी तस्वीर पुरानी। बहुत हुआ अफसोस अब हम अपना आगाज करते हैं, चल ऐ जिंदगी तेरी फिर से नई शुरुआत करते हैं। बहुत हो चुकी सपनों से आंख मिचोली, हम भी खोलेंगे कर्मों से अपनी जीवन की गुठली। हारे थे पर अब ना हारेंगे कोई बाजी, हारे थे पर अब ना हारेंगे कोई बाजी, शांत और सजग होकर बनेंगे खुद के ही प्रहरी। मेहनत के द्वारा अब हम अपना नया इतिहास लिखते हैं, चल ऐ जिंदगी तेरी फिर से नई शुरुआत करते हैं, चल ऐ जिंदगी तेरी फिर से नई शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मी ने कहा चले ये जिंदगी फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, तो सही बात है, जिंदगी में प्रतिदिन हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और इस शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं कक्षा 9 के रुबाब जामी को बुलाना चाहता हूं, आमंत्रित करता हूं, जिनकी कविता है हिंदुस्तान के जवान। रुबाब जामी कक्षा 9 से। मैं सभी को नमस्कार करती हूं, मैं रुबाब जामी आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी पंक्तियां आरंभ करती हूं। ये पंक्तियां कविता तिवारी द्वारा लिखित है, आशा करती हूं कि आप सभी को पसंद आएगा। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूं, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती उज्ज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। अब और कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच। अगर मिट्टी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर मिट्टी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश में समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण में है उम्मीदें, न वादों में भरोसा है, जवानों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, जवानों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। अब आखिरी कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष समर्पित करती हूँ। कि सचित तक शौर्य गूंजेगा, सचित तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, सितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा, तो हिंदुस्तान बदलेगा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रुबाब जामी, जरूर हिंदुस्तान बदलेगा आपकी पंक्तियों के साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं आप सभी प्रतिभागियों के लिए कि सुना है समंदर को गुमान आया है, सुना है समंदर को गुमान आया है, इस कश्ती को उस ओर ले चल जिधर तूफान आया है, जिधर तूफान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद रुबाब जामी का भी। और इसी के साथ साथ मैं कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाता हूं और आप सभी से कहना चाहता हूं, ये कविता
कहानी है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को सबके सामने रख पाते हैं, सबके सामने वाला सुनता है, तभी आपका उद्देश्य पूरा होता है कि हम अपनी बातों के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने प्रकृति, आज प्रकृति को जिस तरह से हम लोगों ने तबाह कर दिया है, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी के बारे में कुछ अपनी कविताओं के माध्यम से हमें संदेश देने आ रही हैं ऋत्विका शर्मा, कक्षा छह की छात्रा है, इनकी कविता है प्रकृति की सीख। ऋत्विका शर्मा, ऋत्विका yes, मुझे सुन नहीं पा रही है। हाँ ऋत्विका जी, चलिए अपनी कविता सुनाइए। नमस्कार, मैं ऋत्विका शर्मा कक्षा छह की छात्रा आप सभी के सामने अपनी कविता प्रकृति की सीख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्यों ना सहज कर रख ले इस प्रकृति को, आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ये कटते वृक्ष, ये सूखती नदियाँ, ये सिमटते पर्वत एक रोज यूं ही खत्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं, इस रोती हुई प्रकृति के आंसू हम पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद प्रकृति के सारे आंसू सूख जाएंगे, पर आंसू होंगी हमारी आंखों में, जिसे हम चाह कर भी कभी पोंछ नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, पर वो मौत की खामोशी ओढ़े बेजान पड़ी बस यूं ही देखती रहेगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता सुनाई नन्ही ऋत्विका ने, अर्थात ये कहना चाहती हैं कि हम लोगों को प्रकृति को ही साथ में जोड़े रखना है, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करनी है। अगर हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी इस प्रकृति के उपहार को कैसे देख पाएगी, आगे पढ़ा पाए। इस कवि सम्मेलन की एक और खास बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि इस प्रतिभागियों में कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जो भाई बहन हैं, अर्थात भाई भैया बहना दोनों में एक होड़ लगी हुई है कि तुमने प्रतिभागिता निभाई तो मैं भी निभाऊंगी और तुमने प्रतिभागिता निभाया तो मैं भी निभाऊंगा। तो कुछ भाई बहन भी इसमें जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं अलग से धन्यवाद देता हूँ कि आप भाई बहन भी हैं, भैया बहना भी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो इसी एक बहना जो अपनी कविता सुनाई है उसके भाई को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, आशुतोष सिंह कक्षा आठ से, आओ फिर से दिया जलाएं। आशुतोष जी सर। आशुतोष अपनी कविता सुनाइए। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण तथा मेरे शिक्षक महोदय और मेरे अग्रज अनुज, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तमका नेह निचोड़े, बुझे भी बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोजाल में आने वाला कल ना भुलाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, आओ फिर से दिया जलाएं। तो अपनी कविताओं से आशुतोष ने कहा कि आओ फिर से दिया जलाएं, आइए हम सब मिलकर एक उम्मीद का दिया जलाते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि बहुत जल्द पूरे विश्व से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी दूर हो जाएगी और हम लोग दूर बैठे नहीं आपस में एक दूसरे के सामने बैठ करके ऐसी कविताएं सुनेंगे और एक दूसरे के मन की बातों को एक दूसरे से
साझा करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने भी ये कविताओं की पंक्तियां सुनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ते हैं और अगली कविता जो है इस धरा के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस धरा को हम कैसे बचाएं और इस धरा के लिए कवि अपनी पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं दीपांशु सिन्हा को कक्षा 7 से। दीपांशु सिन्हा, दीपांशु आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ दीपांशु जी, प्रधानाचार्य अतिथि महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी शिक्षक एवं मेरे प्यारे मित्र, मैं दीपांशु सिन्हा आप सभी के सामने मेरी प्यारी पृथ्वी के लिए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी धरा। माँ पृथ्वी बड़ी महान करती है जन जन का कल्याण, बालक समझ कर पालती हमें ना करती कभी भी अभिमान। पृथ्वी पर रहते हैं हम इंसान, करते हैं इसकी देखभाल, प्राणों से भी प्यारा है हमें ये जननी हमारी महान। कैसा ये दिन आया है, कैसा मौत का सफर छाया है, जो दासी हमारी जननी वो खुद निरोगी होने की भी क्या मांग रही। मत कर जुम आए इंसान, दर्द मुझे भी होता है, तेरे वाहनों द्वारा CO2 और कार्बन और ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, तब का मेरा भी शरीर है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु आपका, आपने प्रकृति अपनी धरा को लेकर के कविता सुनाई। हमें अपनी कविताओं के माध्यम से इस पृथ्वी के हर एक उस पहलुओं को छूने की इजाजत मिलती है जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, और इन कविता के पंक्तियों से उसे हम बातों की माला में पिरो कर रख पाते हैं। मैं बच्चों आपसे बहुत सुंदर बात कहना चाहता हूं कि आप सभी जाने, छोटे कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कि 1951 और 52 के बाद जो कविताएं लिखी जाने लगी उनको नई कविता कहा जाने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण था कि 1951-52 के बाद जो कविताएं लिखी जाने लगी उनमें गाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई, तो इसको नई कविता की श्रेणी में रखा जाने लगा। और आप सभी जो अपने पाठ्यक्रम में कविताएं पढ़ते हैं उसमें जो भी कविताएं हैं जिसको आप गा करके स्वर में लय में एक साथ बांध करके गा सकते हैं, उन कविताओं की वो खूबसूरती बरकरार रखने के लिए यदि आप कविताएं लिखते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि उन कविताओं में शब्दों का ताना बाना ऐसा होना चाहिए कि हम उसे गा सके, सिर्फ पढ़ नहीं सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर से कहना चाहूंगा आज का जो स्लोगन है हमारा इस कार्यक्रम का, कि हार नहीं या जीत नहीं या हार नहीं या जीत नहीं या शब्दों का ताना बाना है, मैं और मेरी कविता में अपने भाव कह जाना है, अपने भाव कह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अतिथि महोदय भी काफी रुचि से सुन रहे हैं आप सभी को, और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और मैं अगली कविता के लिए बुलाना चाहता हूँ दीपिका गुप्ता को, जो कि कक्षा 9 से हैं, और वो एक ऐसी कविता सुनाने जा रही हैं जो इस संसार की सबसे खूबसूरत विषय पर लिखी गई कविता होगी, और उस कविता का शीर्षक है माँ मुझको तू मरने दे। माँ से अच्छी, माँ से अच्छा शीर्षक शायद इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आमंत्रित करता हूँ दीपिका गुप्ता कक्षा 9 से। दीपिका आप मुझे सुन रही हैं? मैं दीपिका गुप्ता, सुअपराहन, मैं दीपिका गुप्ता इस अवसर पर मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ मुझको तू मरने दे। आज की दुनिया का सार है लड़की होना एक भार है। माँ तुम तो सब जानती हो, कष्ट सारे पहचानती हो, माँ तुमने क्या कम सहा, सब सहकर कुछ भी ना कहा। पूतों में ज्यादा जोर है, भू जाए मेरी कमजोर है, मन में तेरा भी फिक्र है, मुझे तेरी भी फिक्र है। दुनिया की तानी खाएगी तो सुन सुन कर मर जाएगी, कहेंगे जन्म सकती थी एक सपूत बुढ़ापे में जो बनता दूत, जन्म सकती थी तनोज को और जन्म दिया है बोझ को, घर बैठे बस खाएगी घर का खर्च बढ़ाएगी, हाथ सहज देना होगा न जाने कितना दहेज देना होगा। समझ माँ तुझ पर बोझ ना बन जाऊं, दुविधा बनकर ना तन जाऊं,
तेरे लिए कुछ कर नहीं दे माँ मुझको तू मर नहीं दे। बेटी ऐसी क्या बात कही, ना है इसमें एक शब्द सही। तेरी प्रतिभा मैं जानूंगी, बेटी से कम ना मानूंगी। अरे बोल बोलिए मर जाएं, संसार कुछ भी कर जाएं, एक रोटी कम खाऊंगी अपना हिस्सा खिलाऊंगी। संसार का जोर कहाँ तक है, अरे दूध पर मेरे किसका हक है। छाती से तुझे लगाऊंगी अपना अमृत मैं पिलाऊंगी। सुन ले जगत ये अपलापी, जो मांगे दहेज है बेपापी। तू बोझ नहीं तू अंश होगी, तू मेरा गौरव वंश होगी। लोग कहेंगे घर घर की कुल देवी बनी है, बेटी नहीं देवी जन्मी है। एक दिन तू भी माँ बनेगी, खुद जैसी एक बेटी जन्मेगी। लेकिन माँ मेरी चूड़ियां मेहंदी है हाथों में, ससुराल सवरना बातों में। युद्ध भूमि में कैसे परू, तलवार ढाल से कैसे लड़ू। बेटी चंद्रिका रूप तेरे खुले बाल, हीना की लाली हो या लहू लाल। संसार दुष्ट की फांसी बनेगी, तू रानी जैसी झांसी बनेगी। जब क्रोध में कंठ तू फारेगी, भीतर की शेरनी दहारेगी। तलवार ढाल सब फेंकेंगे, ये दुष्ट माथा टेकेंगे। मैं कमजोर तू शक्तिशाली बनेगी, मैं सीता बनी तू काली बनेगी। मुझ जैसी काफी तरप रही, हक के लिए बेझरप रही। सबकी ताकत बन जाएगी, बेटी तो इस दुनिया में आएगी, बेटी तो इस दुनिया में आएगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, दीपिका ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। आज के समय में हमारे इस समाज में दहेज प्रथा और दहेज के कारण बेटियों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, और एक माँ की जो व्यवस्था है उसको लेकर के बहुत अच्छी कविता सुनाई दीपिका ने। और मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ। आओ मिलके बेटी का श्रृंगार बचाएं, आओ मिलके बेटी का श्रृंगार बचाएं। उन संकीर्ण मानसिकता को हम दूर भगाएं, उन संकीर्ण मानसिकता को हम दूर भगाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से मैं अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रियंका सिंह कक्षा 12वीं की छात्रा है, जो गरीबी के ऊपर अपनी कविता लेकर के आ रही है। प्रियंका सिंह, प्रियंका नमस्कार। आप सभी को मेरा हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंका सिंह कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गरीबी एक व्यथा। यह मैंने खुद रची है। हरिया बहुत बड़ा हो गया, छोटी सी उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गरीबी ने उसे यह सिखा दिया, बचपन उस बेचारे का भुखमरी ने छीन लिया। गरीबी ने उसे यह सिखा दिया, बचपन उस बेचारे का भुखमरी ने छीन लिया। पैसों की तंगी ने बीमारी से जूझती माँ की जिंदगी ने बड़ा उस बेचारे को किया, बचपन उस बेचारे का भुखमरी ने छीन लिया। माँ बाप की कमी मुसीबत हर तरफ खड़ी, माँ की दवाइयों ने बाप की जमानत के पैसों के जुगाड़ ने नन्हे हाथों और कंधों पर इतना बड़ा बोझ कर दिया, बचपन उस बेचारे का भुखमरी ने छीन लिया। कार्निवल के मेले में खड़ा हो, औरों को मौज एवं मजे उड़ाते देखता हो, न जाने कब से गरीबी का घुट पीता वो, फिर भी मुस्कुरा कहता वह साहसी बालक, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, अपनी माँ की जिंदगी की कीमत चुकाने आया हूँ। गरीबी ने उससे यह सिखा दिया, बचपन उस बेचारे का भूखमरी ने छीन लिया। तमाशा दिखा कुछ पैसे ले जब वो अपने घर गया, न जाने कैसे वो अपने घर गया। ठंड और सनसनाती हवा और फटे कपड़े और तलवों से वो बेचारा अपने घर गया। शायद यही तो भारत है, अपने गमों को भुला औरों को खुशियां देना इसकी रीत है, और कुछ इस कदर ही निभाते हम भारतवासी अपनी प्रीत हैं। अपने गमों को भुला उसने माँ को शॉल उड़ाया, अपने गमों को भुला उसने माँ को शॉल उड़ाया, और कुछ इस कदर उसने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। गरीबी ने उसे यह सिखा दिया,
बचपन उस बेचारे का भुखमरी ने छीन लिया। भाग्य के आगे चलती किसकी है, भाग्य के आगे चलती किसकी है, पहले उसके पिता को दूर किया, फिर माँ की मौत ने उस बेचारे को मजबूर किया। परिस्थितियों ने बड़ा उसे बहुत पहले ही कर दिया, गरीबी ने उसे यह सिखा दिया, बचपन उस बेचारे का भुखमरी ने छीन लिया। गरीबी ने उसे यह सिखा दिया, बचपन उस बेचारे का भुखमरी ने छीन लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका। प्रियंका ने अपनी कविता के माध्यम से दिखाया कि गरीबी ने इंसान को किस कदर झकझोर देती है। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि इन मुद्दों पर आप सोचिए, समझिए और एक अच्छी रणनीति बना करके अपने शब्दों को अपने कलम से, अपनी लेखनी से एक नया आयाम दीजिए। आपकी कविता बोलेगी, आपका मन बोलेगा और तभी आप एक कवि के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका। आगे बढ़ते हैं और अनुष्का शर्मा है हमारे साथ, कक्षा 6 की छात्रा है जो कि जिंदगी की कीमत बताना चाहती हैं। अनुष्का, अनुष्का शर्मा कक्षा 6। नमस्कार सभी को, मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अनुष्का शर्मा कक्षा 6 सी की ओर से आपके सामने मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है जिंदगी की कीमत। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता पसंद आएगी। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो, मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। शहरों का यूं वीरान होना कुछ यूं गजब कर गई, बरसों से परे गुमसुम घरों को आबाद कर गई। ये कैसा वक्त आया कि दूरियां ही दवा बन गई, जिंदगी में पहली बार ऐसा समय आया कि इंसान ने जिंदा रहने के लिए कमाना ही छोड़ दिया। हर गुलजार तूने शहर, बस्ती बस्ती में क्या धर हस्ती हो गई, आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई, आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का, आपकी कविताएं थी जिंदगी की कीमत। आपने भी अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखा। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बातें मेरी अनोखी हवा हूँ। इसी तरह की कुछ हवा की बातें कहने आ रही हैं हमारे सामने दीक्षा गुप्ता, जो कि कक्षा 7 से हैं और इनकी कविता का शीर्षक है ऐ हवा तू तो आजाद है, ऐ हवा तू तो आजाद है। तो सही बात है, आजादी हर किसी को अपने जीवन में अच्छी लगती है और आजाद होकर जीवन जीना सबको अच्छा लगता है। तो आइए सुनते हैं दीक्षा को, ऐ हवा तू तो आजाद है, दीक्षा गुप्ता कक्षा 7। दीक्षा हेलो सर, सर दीक्षा का तबीयत खराब है, वो नहीं बोल पाएगी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो दीक्षा हमारे साथ अस्वस्थता के कारण नहीं जुड़ पा रही है, ठीक है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगली प्रतिभागी हैं शिक्षा, शिक्षा कुमारी कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, जिनका जिनकी कविता का शीर्षक है नन्हा पौधा। शिक्षा हाँ शिक्षा प्रभात, मेरा नाम शिक्षा कुमारी है, मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। आज जिंदगी दिवस के अवसर पर मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नन्हा पौधा। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंदर में था नन्हा पौधा सोया। उसका वे कोमल पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों से फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निंजा दूर भगाओ, अलताई आंखें खोलो तुम उठ कर बाहर आओ। आंख खोल कर नन्हे पौधे ने तल ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति की उसके तन में आई। नींद छोड़ा लस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। बहुत अच्छी कविता, शिक्षा ने अपनी कविताओं के माध्यम से हम लोगों को एक नई शिक्षा दी।
कि हमें अपने इस प्रकृति में, इस प्रकृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने बीच में उपस्थित पेड़ पौधों को भी सही ढंग से बनाए रखना है, तभी हम प्रकृति के साथ सही ढंग से जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा आपका। हमारे अगले प्रतिभागी हैं पीयूष कुमार, जो कि कक्षा 6 से हैं। ये भी पेड़ के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। पीयूष, हाँ पीयूष। ओके सर। धरती की बस एक ही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम ये खाए, अपनी धरती हरी बनाए, धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है, पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे, आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जगमगाकर सुंदर जीवन बनाए हम, आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत अच्छी कविता है आपकी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, और आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी धरा को खुद बचाएं। बहुत अच्छी कविता कही पीयूष ने, बहुत बढ़िया पीयूष। और हमारे साथ हमारे अंतिम प्रतिभागी जुड़ेंगे, परनीत सिंह। एक विद्यार्थी किसी कारण से, अस्वस्थता के कारण नहीं जुड़ पाई, मैं कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। तो परनीत सिंह कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं, जो कि देश से जुड़ी हुई कविता सुनाएंगे, हिंदी से हिंदुस्तान। हिंदी से हिंदुस्तान, परनीत सिंह आप मुझे सुन रहे हैं? परनीत। यस सर। हाँ परनीत, अपनी कविता सुनाइए। सभी को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस के शुभ अवसर को अवसर पर आपको मेरी शुभकामनाएं। मेरी कविता इस प्रकार शुरू होती है हमें मालूम कि हिंदी हमारी शान है हमें मालूम कि हिंदी हमारी शान है, छीन सकता ना कोई क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है। हमें एहसास की हिंदी से ही हमारी पहचान है हमें एहसास की हिंदी से ही हमारी पहचान है, हमें गर्व है इस बात पे क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है। सिर्फ भाषा नहीं यह, हमारे दिल में इसका एक अलग ही स्थान है दिलों में बसा सभी के क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है। जिसने जोड़ा संपूर्ण देश को है, जिसने जोड़ा संपूर्ण देश को, बढ़ाई हमारी आन है देकर मात अंग्रेजों को, जीत गए हम क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान। भेदभाव ना करता है यह, रखता सबका मान है क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, परनीत सिंह ने अपनी कविता सुनाई, हिंदी से हिंदुस्तान है। तो इस तरह से हिंदी से हिंदुस्तान है 21 प्रतिभागियों के साथ आज हम लोग जुड़े हैं अपनी मैं और मेरी कविता शीर्षक हिंदी दिवस के अवसर पर इस कवि सम्मेलन में। और हमारे साथ हमारे अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ। शाम के 4:22 हो चुके हैं और हमारे सभी विद्यार्थी, मैं स्वयं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उपप्राचार्य महोदया और प्रभारी प्राचार्य भी जुड़ी थी हमारे साथ, और सभी के पास बहुत सारे काम हैं इस वैश्विक महामारी के कारण। सब लोग घर बैठे ही बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी प्रतिभागियों को पुनः विजयी भव का आशीर्वाद देता हूं और अपने स्लोगन को फिर से दोहराना चाहता हूं। हार नहीं या जीत नहीं या शब्दों का ताना बाना है, मैं और मेरी कविता में अपने भाव कह जाना है, अपने भाव कह जाना है। तो इस कार्यक्रम का आज का सबसे बड़ा उद्देश्य था, हमारे अतिथि महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर भी कुछ कुछ लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, टिप्पणियां लिख रहे हैं जो कुछ ही क्षणों में आपसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे, कि आज को ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, लेकिन जीतना हमारी फितरत है, रोक सको तो रोक लो। चले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे भी कोई प्रतिभागी हैं जो छूट गए हो किसी कारण से तो बोलना चाहेंगे, आप बोलिए, आपने प्रतिभागिता निभाई है और आपकी बारी नहीं आ पाई है।
मैंने प्रतिभागिता निभाई, मेरी बारी नहीं आ पाई। ऐसे कोई भी नहीं है, चलिए ठीक है। तो आज के हर किसी कार्यक्रम का जब अंतिम क्षण आता है तो धन्यवाद ज्ञापन की बात आती है, और आज के इस कवि सम्मेलन में सबसे बड़ी बात है धन्यवाद ज्ञापन के लिए कि यह बच्चों का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन मैं एक प्रतिभागी के द्वारा ही दिलाना चाहता हूं, और मैं इसके लिए कक्षा 10 के विद्यार्थी गायत्री जेठवा को आमंत्रित करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन के रूप में कुछ शब्द कहें। गायत्री जेठवा। हाँ सर, यदि कुछ अच्छा होता है तो उसकी सराहना करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो मैं गायत्री जेठवा आज के इस कवि सम्मेलन में प्रतिभागी के रूप में रही हूँ। मैं अपना तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी दर्शकों का, सभी माननीय अध्यापकों का, प्रतिभागियों का, और विशेष धन्यवाद मैं करना चाहूंगी डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर का, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़े इन इस कवि सम्मेलन को बहुत सफल बनाने में हमारी सहायता की तथा मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे प्राचार्य रेजी सी वर्गीस सर का, जिन्होंने ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कवि सम्मेलन मैं और मेरी कविता का पूर्णतया अभिवादन किया, पूर्णतया इसे समाप्त होने में हमारी सहायता की तथा हमारा मार्गदर्शन किया। मुझे आशा है कि इस कवि सम्मेलन में हम सभी प्रतिभागियों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जानने को मिला और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गायत्री। तो हो जाए न पथ में देर, कहीं मंजिल भी है अब दूर नहीं, या सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है दिन, ढल गया है शाम हो गई है, और मैं इस कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर बढ़ चुका हूँ। मैं मेजबान हिंदी शिक्षक लव कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ, और अंत में मैं अपने आदरणीय अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी का, इन बच्चों का, प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें, ताकि भविष्य में जब कभी फिर हम सब एक साथ हों तो ये बच्चे आज जितने अच्छी तरह से अपनी बातों को रख पाए हैं आगे भी अपनी बातों को रख पाए। माननीय अतिथि महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी जी, सबको आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं पुनः बीजीएम स्कूल को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आप जैसे कवि या कवित्री को सुनने का अगर मौका मिले और अचानक सिर्फ एक फोन पर कि आपको जो है जुड़ना है, कवि सम्मेलन है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैंने तुरंत सर कहा कि आप स्कूल की तरफ, मैंने स्कूल को खबर कर दीजिए कि मैं जरूर जुड़ूंगा, और सच में लगभग 1.5-2 घंटा हो रहा है, मुझे समय का एहसास नहीं हुआ कि 1.5-2 घंटा हो चुका है। मुझे लगा कि और भी कुछ सुनने मिलेगा, और सर ने जब कहा कि ये अंतिम है तो थोड़ा मैं निराश भी हुआ कि अब अंतिम है, मतलब अब हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें कविता, यहाँ पर दो तरह कविताएं आई, एक कविता ही स्वलिखित और एक जो है कवि किसी और के द्वारा लिखी, तो स्वलिखित जिन्होंने भी कविताएं लिखी है ठीक, मैंने जो है लगभग सबका मैं नोट लिया है, किसी का मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ समय नहीं है कि सबको मैं बताऊं यहाँ पर एक एक नाम लेके, क्योंकि लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो एक संस्कृत में वाक्य है कि वाक्यम रसात्मक काव्य, यानी जो वाक्य रस उत्पन्न करे, रस का अर्थ आनंद, हम लोग हर कोई बात कर रहे हैं लेकिन बात की कविता नहीं है, यानी जो वाक्य या जो पंक्तियां हमारे अंदर आनंद की, आनंद जगाए, वो वाक्य जो है कविता की श्रेणी में चला आता है। और क्योंकि कविता में सिर्फ एक वाक्य नहीं होते हैं, वाक्य मतलब यहां कविता,
और कविता दो प्रकार की होती है, एक खुद के लिए एक समाज के लिए, कविता कविता के लिए और कविता समाज के लिए। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा सर। हम जब सामाजिक प्राणी हैं तो हमारा ये सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उनके प्रति हम अपनी क्या सहभागिता निभाते हैं, हम उन्हें क्या दे रहे हैं। इतना तो सबको मालूम है कि इस समाज में जब आए हैं तो हमारा कुछ नहीं है, हम जो बोल रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस हिंदी का गुणगान कर रहे हैं, ये हमारी हिंदी नहीं है, ये सबकी हिंदी है, हमारे पूर्वजों की हिंदी है, उनके द्वारा हमें प्राप्त है। जो कविताएं बोलना हम सीख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, हमने उनसे सीखा है, सीखकर सुनकर पढ़कर या अपनी प्रतिभा से। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने समाज को, अपने देश को, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। तो सबकी अपने अलग अलग प्रतिभा होती है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई कहानीकार बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई रचनाकार बनता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मैंने पहले के कसूर में कहा कि रचनाकार बनने के लिए, कवि बनने के लिए, कवित्री बनने के लिए हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम 12th के बाद हिंदी ऑनर्स लेकर ही पढ़ेंगे। बहुत में भ्रम होता है, जब पढ़ाता हूँ सुनता थोड़ी सर मुझे हिंदी पढ़नी है। ठीक, रचना कोई भी कर सकता है, रचना एक प्रतिभा है। ठीक, और जब हम कोई कविता लिखते, जिन्होंने भी कविता लिखी यहाँ पर खुद से, कविता लिखना कैसा एहसास दिलाता है, सुखद एहसास है, जैसे किसी बच्चे को जन्म दिए हो, वो अपना है, यानी उस कविता पर, उस रचना पर किसी और का अधिकार नहीं है। उस पूरे संसार में जहां सैकड़ों देश हैं, वहां पर वह उस एक कविता पर, उस रचना पर मेरा कॉपीराइट है, और कहीं नहीं मिलेगी, मेरे डायरी मिलेगी, मेरे घर मिलेगी, मेरे पास मिलेगी, लिखना बंद मत कीजिए। और एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार छप कर नहीं बल्कि अपनी रचनाओं को फाड़ कर बनता है। मैं कहता हूं इसलिए मत लिखिए आपको छपना है, इसलिए मत लिखिए कि आपको चर्चित होना है। आप कविता लिख रहे हैं जनता के लिए, आप कविता लिख रहे हैं समाज के लिए, आज नहीं तो कल समाज आपकी कविता को, अपनी रचना को जानेगा, पहचानेगा। मुक्तिबोध है हमारे हिंदी साहित्य में, आप लोग भविष्य में जाकर पढ़ेंगे, जीते जी उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। सूर्यकांत त्रिपाठी ने ज्यादा अपने जीवन काल में संपादकों द्वारा हमेशा उपेक्षित किए गए, लेकिन उनकी कविता आज हिंदी कविता की श्रेष्ठ श्रेष्ठ कविताओं में से एक है और उनमें आती है। रचना करना आपका काम है, आप रचना कीजिए, आप लिखिए, मत देखिए कैसा लिख रहे, कैसा लिख रहे हैं। और कवि क्या है, रचना क्या है, कविता क्या है, एक उदाहरण दे रहा हूं। आप लोगों ने नहीं सुना होगा भिखारी ठाकुर का नाम, बिहार के बहुत बड़े कवि। एक बार एक मंत्री आने वाले थे और मंत्री के इंतजार में हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़, और मंत्री के आने में देरी हो रही थी। कर्पूरी ठाकुर भी उसी मंच पर थे, तो जब लोग हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, कुर्सी इधर उधर फेंकने लगे, तो संचालक महोदय ने कवि कहा कि आप मंच संभालिए। और जब उन्होंने कविता गानी शुरू की, कविता गाना शुरू किया, कविता पाठ करना शुरू किया, विश्वास नहीं कीजिएगा कि पूरा मंच, पूरी जनता शांत होकर भी कविता सुनने लगी। आप सर्च कीजिएगा तब आपको भिखारी ठाकुर का, उनकी कविताएं सर्च कीजिएगा, पता चलेगा। तो लिखते रहिए, मेरा कहना यही है कि आप बहुत ही उम्र कम है, आपके पास संभावनाएं बहुत अधिक है, आप जितना लिखिएगा उतना मंजिएगा। और आपने जो यहाँ कविताएं कही है, मैंने देखा है कि आप यहाँ पर आकर एक भी विषय अछूता नहीं है। आपने किस पर नहीं कविता लिखी, जिंदगी पर, गरीबी पर, प्रकृति पर, देशभक्ति पर, सेना पर, सैनिकों पर, जवानों पर, जिस पर हमें गर्व है, जिन पर हमें गर्व है। आपने इस कम समय में, डेढ़ घंटे में, इस 21 प्रतिभागियों में किसी भी विषय को अछूता नहीं रखा। सोचिए ये 21 लोग हैं सिर्फ, और 21 लोग जब यहाँ से समाज में जाएंगे चारों दिशाओं में, तो किस तरह से समाज का, देश का भला हो सकता है। और याद रखिए, हम और आप ना जब बात कर रहे हैं तो मेरी बात को भूल सकते हैं, लेकिन एक कविता को जल्दी नहीं भूलते हैं। जब अग्निपथ में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि चल रहा दृश्य है, जो कहते हैं कि किसी भी हाल में रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है,
यह महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। इस जीवन संघर्ष की बात आप लोगों ने की जिंदगी में, अब मैंने यहाँ नोट किया है लक्ष्मी ने जिंदगी की बात की कि किस तरह से नई जिंदगी शुरुआत करनी चाहिए, फिर जो है दीपिका ने जो है माँ की बात की, फिर आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि गायत्री ने जिंदगी की बात की संघर्ष में। इस कोरोना काल में, इस महामारी में जहाँ अधिकतर लोग हतोत्साहित हैं, निराश है कि अब मेरा क्या होगा, इस महामारी में खुद को स्थापित करना, जीने की इच्छा रखना, समाज को नया राह दिखाना अपनी अपने आप में एक सकारात्मक सोच है, और यह सोच किसी को मरने देता है, आदमी को हौसला देता है। तो ये हौसला जो है आप लोग बनाए रखिएगा, हमेशा जो है कुछ ना कुछ लिखते रहिएगा, और आशा करता हूं कि आप लोग भविष्य में जाकर बहुत कुछ लिखेंगे। आज कविता लिख रहे हैं, कल कहानी लिखेंगे, परसों उपन्यास लिखेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको किसी भी हाल में लिखते रहना है। यहाँ पर जब कि प्रियंका सिंह ने गरीबी की बात की, स्वर अच्छी कविता थी, बहुत अच्छी कविता थी, और गरीबी के कारण उस बच्चे की स्थिति क्या थी उसको उन्होंने दिखाया कि किस तरह से बचपना खो जाता है। एक बात याद रखिएगा जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आदमी इस धरती पर गरीब पैदा हो सकता है, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना पाप है। आपको संघर्ष करके जो है उस गरीबी से ऊपर उठना पड़ेगा और अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, समाज को बेहतर बनाना पड़ेगा। जब सैनिक पर, देशभक्ति पर कविता हो रही थी, हिंदुस्तान के जवान पर कविता हुई, फिर हमने देखा कि जो है देश के लिए कुर्बान के लिए जो है अर्णव कुमार ने मातृभूमि की संतानी कविता की, आप जो है कर चले हम फिरा गीत सुनिएगा, उसमें कवि ने बेहतरीन ढंग बेहतरीन तरीके से कहा है कि कर चले हम फिदा वो जान वतन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। हर किसी की नजर आप पर है, हमारे आने वाली पीढ़ी पर है। आप ही लोग इस समाज को, इस देश को, इस कविता को, इस संसार को खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो खूबसूरत और बेहतर बनाने के तरीके अलग अलग है, माध्यम अलग अलग है, रचना भी, कविता भी, कहानी भी उनमें से एक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से अपनी लेखनी को जारी रखिएगा, बेहतरीन तरीके से उसे मांझते रहिएगा ताकि अच्छी से अच्छी रचनाएं आपकी लेखनी से आए और भविष्य में हम लोग पढ़ें और समझे कि देखो मैं उस दिन जो है 14 सितंबर को अर्णव की कविता सुन रहा था, आज जो है बड़े मन से वो कविता बोल रहा है। गौरवी जो है अभी बेटी पे कविता सुना रही थी, जो है गौरवी देखो बड़े मन से कविता सुना रही है, उस दिन और अधिक हम गौरवान्वित होंगे और अधिक हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के कारण जो है मेरा यह शाम जो है हसीन हो गया। हसीन इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ पल के लिए तो मैं पूरी तरह से आप लोगों पर केंद्रित हो गया, कुछ और सोचना बंद हो गया, और कुछ नहीं सोचा मैंने, बस नोट किया कि आप लोगों ने क्या कहा, प्रकृति से लेकर हर चीज आपने कहा, आपने हर चीज पर बातें की, यही हमारे देश का भविष्य है। और हम जानते हैं कि हमारा देश जो है सुरक्षित हाथों में है, और देश का अर्थ याद रखिएगा, सिर्फ देश का अर्थ सिर्फ मनुष्य नहीं होता है, देश का अर्थ प्रकृति, पेड़ पौधे, जितने भी उसमें छोटे छोटे प्राणी, सब कुछ इसके अंतर आता है। और रचनाकार जो होते हैं वह सबकी सबको बचाना चाहते हैं, रचना करना चाहते हैं। रचना का अर्थ सिर्फ नया नहीं बल्कि जो है उसे बचाए रखना है। और कविता की, कवि की खूबी क्या है आप जानते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे गुरु। आप लोग वहां तक पहुंचते हैं तो आप सबका फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डीजीएम स्कूल को मैं जो है के प्रति मैं आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। लॉ सर जो इस तरह का कार्यक्रम कर आप लोगों को तो एक मंच दे ही रहे हैं एक साथ जुड़ने का, हम जैसे को भी ये मौका दे रहे हैं ताकि कि आप सबको सुन सके, तो लॉ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ और भविष्य में आप लोगों से मिलकर आमने सामना होकर आपकी कविताओं सुन, आपकी कविताएं सुनने का, आपसे बातें करने का अवसर ढूंढता हूँ, ढूंढने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी का मैं नाम है भाव का है, नाम मिल पा रहा हूँ, ठीक है, फिर कभी मिलेंगे तो जरूर हम इस क्षण को याद करेंगे, याद करेंगे। हेलो सर, धन्यवाद महोदय। कुछ दिक्कतें
नहीं है जिसके कारण नेटवर्क प्रॉब्लम। धन्यवाद महोदय, आदरणीय हमारे अतिथि धर्मेंद्र सर ने बहुत बहुत सारी बातें कही जिसको हम लोग सुन पाए, और बच्चे जो है इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और आप ऐसे ही अपनी कविताएं लिखते रहें जैसा कि सर ने कहा आप लोगों को कि अविता नलिता लिखते हैं और आपके मन को एक सुकून मिलता है, प्राप्त होता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमारी एक प्रतिभागी गायत्री कुछ कहना चाहती है, मैं उसे मौका देता हूं और इस तरह से उसके कहने के बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा। गायत्री, बहुत कम शब्दों में आप अपनी बातें कहिए। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी हिंदी दिवस के ऊपर। मैं सूर्यकांत की अनामिका, मैं पंत की गुंजन पल्लव हूँ, मैं हूँ प्रसाद की कामायनी, मैं ही कबीरा की हूँ वाणी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। इसी के साथ विशेष धन्यवाद धर्मेंद्र सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी लौ कुमार सर का, जिन्होंने हमारे हौसले को एक नई उड़ान दी और मेजबान के रूप में हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फिर से अंतिम पंक्तियां मेरे साथ, हार नहीं या जीत नहीं या शब्दों का ताना बाना है, मैं और मेरी कविता में अपने भाव कह जाना है, अपने भाव कह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी सर, आपका कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। क्लास अब आप इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन से लीव कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। बाय सर।